अजय झा की रिपोर्ट। झांसी वासियों के लिए यह राहत भरी खबर है। झांसी मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 13 मरीजों की हालत में सुधार होने पर आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिसकी जानकारी झांसी जिला अधिकारी ने दी है। झांसी जिला अधिकारी आंद्रा वामसी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल 30 कोरोना से संक्रमित मरीज सामने आए थे, जिनमें 4 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। उक्त 4 गंभीर रूप से बीमार थे, अन्य का झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था, जिनमें हालत सुधार होने पर 3 मरीजों को पहले ही डिस्चार्ज कर दिया था। आज 13 मरीजों को हालत सुधार होने पर डिस्चार्ज किया गया है। शेष अन्य की हालत में भी सुधार हो रहा है। 12 दिन बाद उनकी हालत में पूर्णतः सुधार होने पर उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया गया है। वह झांसी वासियों से एक बार फिर अपील करते हैं कि वह सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन का पालन करें, जिससे झांसी को कोरोना से केवल मुक्त बनाया जाए बल्कि हमेशा के लिए मुक्त बनाए रखा जा सके। बाइट आंद्रावाम सी जिला अधिकारी झांसी। जनपद झांसी में कुल मिला के 3 एक्टिव केसेस था, जिसमें 4 मरीजों की मौत हुई थी और ये गंभीर बीमारी से भी पीड़ित थे। और बाकी जो रह गया 26 केसेस में, आज की तारीख में तो सिर्फ 4 केसेस ही पॉजिटिव हो गया था और बाकी सब नेगेटिव हो गए थे। इसका मतलब 22 केसेस हमारा जो नेगेटिव हो गया था, उसमें से पहले से भी 3 डिस्चार्जर थे और जो शेष जो 19 बचा है उसमें से 13 को हमने आज डिस्चार्ज कर दिया। अब 6 रह गए हैं जो डिस्चार्ज करने के लिए उनकी अवधि 12 दिन पूरी होना चाहिए, तब तक हम उसको भी 12 दिन की अवधि के हिसाब से डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो वर्तमान में झांसी का केसेस 4 तक आ गया, तो अच्छी बात है। बाकी सब लोगों से अनुरोध ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, मास्क पहन के रखें, लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें और दूरी बना कर रखें। धन्यवाद।